वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी इटावा एवं थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को नौकरी आदि का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के एक फर्जी आईआरएस अधिकारी सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोगों को विगत कुछ समय से आम जनता को नौकरी आदि का झांसा देकर पैसे ठगने का काम करते हैं। पकड़े गए लोगों से गाड़ी व उपायुक्त विजिलेंस अधिकारी का फर्जी आईडी कार्ड, फैक्ट्री मेड राइफल, विभिन्न न्यूज चैनल की माइक आईडी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा मनीष कुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी जिगसौरा थाना जसवंत नगर जनपद इटावा, फर्जी विजिलेंस अधिकारी योगेश कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी कस्बा धनौरा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा, बलवंत कुमार खरवार पुत्र मदन खरवार निवासी तरैथा थाना भभुआ रामगढ़ बिहार, राम कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी बीलमपुर थाना इकदिल इटावा, पत्रकार सौरभ चौहान पुत्र देवेंद्र चौहान निवासी विकास कॉलोनी पक्का बाग थाना इकदिल इटावा, पत्रकार। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में सत्येंद्र यादव प्रभारी एसओजी, बीके सिंह प्रभारी सर्विलांस, मैं टीम भूपेंद्र सिंह राठी थाना प्रभारी सिविल लाइन, सुभेश सहाय उप निरीक्षक श्री संत कुमार शामिल है। इटावा पुलिस द्वारा एक फर्जी आईआरएस अधिकारी और उसके अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये एक टर्मिनेटेड बैंक पीओ है जो एक लोन फ्रॉड के केस में बैंक द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद से 2 साल से ये नकली आईआरएस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। इसके साथ 4 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। तो सभी लोगों के साथ पूछताछ में ये बात क्लियर हुई है कि इन्होंने काफ़ी लोगों को अपना शिकार बनाया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे ये लोग, और इनका मेन मोडस ऑपरेंडी था कि ये खुद ही आईजीआरएस कंप्लेंट्स किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डालते थे और बाद स्वयं ही गवर्नमेंट की जांच टीम बनके चले जाते थे और उनसे फिर पैसे एक्सट्रॉड करने का प्रयास करते थे। तो ये इटावा पुलिस का बहुत ही अच्छा गुड वर्क है। ये व्यक्ति बहुत ही शातिर अपराधी है और इसकी बॉडी लैंग्वेज से और इसके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सीबीआई के कुछ केसेस की एफआईआर की कॉपी, कुछ डीओपीटी के अपॉइंटमेंट लेटर्स, ये सब ये लेके चलता था जिससे अपने आप को ये विश्वसनीय बना सके। और मेरे द्वारा स्वयं उसमें पूछताछ की गई जिसमें उनकी यूपीएससी रैंक, कब उनको प्रमोशन हुआ, किस डेट को, कब बैच को सिलेक्शन ग्रेड मिला और कब उनका इंटरव्यू बोर्ड में कौन थे, इस टाइप के बेसिक सवाल पूछने से क्लियर हो गया कि वो नकली आईआरएस अधिकारी हैं। और फिर डिटेल पूछताछ में पता चला कि वो काफ़ी लोगों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। तो अभी 3-4 लोग अभी हमारे सामने आ चुके हैं जिनके द्वारा फ्रॉड की घटनाएं इनके द्वारा बताई गई हैं और उस पे बेसिस पे हम मुकदमा लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।